प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में भी RTO विमल पांडे के द्वारा सभी संभागीय परिवहन कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर हल्द्वानी संभागीय परिवहन के कर्मचारी सहित आम जनता भी मौजूद रही, जिन्होंने यातायात के नियमों का 100% पालन किए जाने की शपथ ली। साथ ही अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन कराए जाने हेतु जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं RTO हल्द्वानी विमल पांडे ने इस अवसर पर मीडिया को बताया कि प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से RTO कर्मियों को यातायात नियमों के पालन कराए जाने की शपथ दिलाई गई है। साथ ही संभागीय परिवहन कर्मी व आम जनता जो अपने निजी काम से संभागीय परिवहन कार्यालय में काम करने आए थे, उनको भी सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए बताया गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहने व शराब पीकर वाहन ना चलाए जाने को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने समय समय पर यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने की भी बात कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और अपने परिजनों से यहाँ पर आके मतलब स्टाफ से जो कोऑपरेशन मिला वो मतलब बहुत रेयर केस में मिलता है। मतलब बहुत इजीली काम अपने आप ही हो गया, हमने बिना किसी की उससे जो ना काम अपना करा लिया है और टाइमली हो गया हमारा काम। और सबसे बड़ी बात है जो आज ये अटेंड करा है, हम लोग बहुत गाड़ी चलाते हैं मगर कई बार कई साइन ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं पता होता। सर यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी जो है दिल्ली से उत्तराखंड के नाम ट्रांसफ़र कराने आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे अधिकारियों से बहुत सहयोग मिला और सबने मेरे को सपोर्ट भी किया। एक महिला के नाते भी अगर मेरा सपोर्ट किया तो मैं मानती हूँ कि ये सभी सभी का सपोर्ट करते होंगे, मगर मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो गाड़ी मेरी आज इन्होंने बुलाया तो आज मेरे को पेमेंट जमा करा के ये गाड़ी नंबर मेरे को उत्तराखंड का दे देंगे। हमें एक दूसरे से इमोशनल अपील करनी है, अगर मेरे पिताजी या मेरा बड़ा भाई बिना हेलमेट के निकल रहा तो मुझे उससे टोकना है कि नहीं पापा आप हेलमेट पहन के जाओ। हो सकता है कोई बहाने मारे कि यही नाई की दुकान तक जा रहा हूँ या आस पास तक जा रहा हूँ, नहीं, उनको बताना है कि इग्निशन ऑन हो उससे पहले हेलमेट लग जाए और हेलमेट भी प्रॉपरली टैग हो, तीन ही उंगलियां आपके अंदर हो। इसी तरीके से बच्चे माँ बाप अपने बच्चों से अपील करें, इमोशनल अपील करें एक दूसरे से, क्योंकि ये दो युक्तियाँ हेलमेट और सीट बेल्ट, ये ऐसी युक्तियाँ हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो करने लग जाएँ तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं।